मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, विशेष राज्य के मुद्दे पर आपकी राय मुझे लगता है कि थोड़ी अलग लगती है। जिस दिन नीतीश कुमार जो है अधिकार रैली कर रहे थे दिल्ली में, उस दिन आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे नबरूना के लिए। नहीं, विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दा पर मेरी राय अलग नहीं है। अच्छा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मैं भी व्यक्तिगत रूप से, मेरी पार्टी भी इस राय से सहमत है। हमारा एतराज है नीतीश कुमार जी जिस तरह से इस मुद्दा को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इस बात से को लेकर हमारा एतराज है। बिहार की विधानसभा ने दल की सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इस बात का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। बहुत अच्छी पहल हुई थी। बिल्कुल, उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की थी कि तमाम राजनीतिक दल के लोगों को एक मंच पर लाकर केंद्र पर दबाव बढ़ाने का काम करना, और सब लोग मिलकर अगर केंद्र पर दबाव बनाते, रैली करते, तो केंद्र शायद ज्यादा मजबूर होता इस मांग को मानने के लिए। बाकी पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए, एनडीए जिसके मुखिया है नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री हैं, सरकार चलाते हैं, उसका एक पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को भी इन्होंने साथ नहीं लिया इस काम। तो नीतीश कुमार जी के इस रवैया से बिहार की यह मांग और कमजोर हुई है, इस बात से मेरा एतराज है। बाकी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने अभी फिर से कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, विशेष पैकेज जरूर दिया जा सकता है। देखिए, यह तो एक अलग है कि केंद्र में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर दायित्व है क्या कह रहे हैं। बिहार के साथ भेदभाव हुआ है, सब लोगों को मालूम है। बिहार की उपेक्षा आज से नहीं, आजादी के पहले से होती रही। नहीं, आजादी के बाद की सरकार ने बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाई, ठीक है, लेकिन आखिर आजादी के समय जो बिहार जिस स्थिति में था, आज धीरे धीरे पिछड़ता गया, केंद्र की नाइंसाफी के कारण पिछड़ता गया। तो यह जो नाइंसाफी है, उस नाइंसाफी को करने वाले सिर्फ यूपीए के लोग ही नहीं, एनडीए के लोग जब सत्ता में थे, इन लोगों ने भी यही किया था। बिहार के पिछड़ेपन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है, केंद्र की अनदेखी या बिहार की सरकारों का निकम्मापन? दोनों जिम्मेवार है। ज्यादा जिम्मेदार क्या है? ज्यादा जिम्मेवारी तो जो निकम्मापन है, निकम्मा, तो निकम्मे लोग केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यह भी देखिये, केंद्र बिहार पर विशेष ध्यान दे इस मकसद से अगर बात कही जा रही हो तब तो बात ठीक है, लेकिन इस मकसद से लोग नहीं कहते। नीतीश जी जब कहते हैं कि लोग अपना निकम्मापन छिपाने के लिए केंद्र पर जिम्मेदारी डाल, बिल्कुल, इसलिए कि जिस समय सरकार में थे एनडीए में, जो लोग भी आज बिहार में कद्दावर नेता के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, सब लोग कभी न कभी केंद्र में बड़ी जवाबदेही में रहे। नीतीश कुमार जी भी एनडीए की सरकार में लगातार मंत्री थे, उसी समय बिहार का विभाजन हुआ था जिस समय केंद्र में मंत्री थे। तो ईमानदारी से अगर कोशिश इनकी होती तो उस समय कुछ वहां से ज्यादा लेने की बात संभव थी, लेकिन उस समय लोग नहीं आवाज उठाते हैं। जब वहां से बाहर होते हैं, बिहार में सरकार चला रहे होते हैं, और 7 वर्षों में जब जनता हिसाब खोजने लगती है कि बिजली का क्या हुआ, सिंचाई का क्या हुआ, नौजवानों को रोजगार मिले, इसका क्या क्या हुआ, तब लोग केंद्र पर दोषारोपण करने लगते हैं। नीतीश कुमार आज यही कर रहे हैं, अपनी विफलता को छुपाने के लिए केंद्र पर दोषारोपण। नहीं लगता उपेंद्र जी कि नीतीश कुमार जी ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी पोल खोलने में आप लोग कहीं से कमजोर पड़ जाते हैं? विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल गया तो जो मौजूदा बिहार का बजट है उसके हिसाब से जो है 3-4 हजार करोड़ रुपए का बिहार को फायदा हो जाएगा, और 3 हजार करोड़ रुपए तो इन्होंने योजना आकार इस साल छोटा कर दिया। निश्चित रूप से, तो एक तरफ तुम 3 हजार करोड़ रुपए योजना आकार छोटा कर रहे हो और 3 हजार करोड़ रुपए के लिए तुम दिल्ली तक हाथ पसार रहे हो। निश्चित रूप से, इसलिए हमने कहा कि बिहार पीछे है, तो इसका कारण केंद्र भी है, लेकिन बिहार में जो नाकारे लोग हैं, रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार जी ने तो एक तरह से हथियार डाल दिया है, उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा न मिले तो 25 वर्ष बिहार को लगेंगे विकास करने में, कई बार उन्होंने कई अवसरों पर कहा, और हम जानते हैं बिहार का नौजवान अब 25 साल इंतजार करने वाला नहीं है। हमारा मानना है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति का, ईमानदार इच्छा शक्ति का कोई व्यक्ति बिहार में रहे, आवे, तो 25 साल नहीं लगेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या न मिले। अगर आपको बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो कौन 5 काम आप करेंगे जिनसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाए बिना भी वो सारी चीजें हो सके? देखिए, आपने कहा ना, और कहा बिल्कुल रिकॉर्ड है
कि जो राशि आज बजट में उपलब्ध है उसका भी पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, खास करके गरीबों से संबंधित योजना, इंदिरा आवास का पैसा है, मनरेगा का पैसा है जिससे मजदूरों को रोजगार मिलता है, जितना पैसा आपके पास है किसी भी स्रोत से उपलब्ध उसका उपयोग 100% आप अगर कर ले तो बहुत सारी चीजों का तो जवाब उसी से निकल जाएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास की बात तो बोलते जरूर हैं, लेकिन बिहार में विकास जिन चीजों को करने से संभव हो सकता है उस पर इनका ईमानदारी से ध्यान नहीं। अब जैसे बिहार में 80-85% लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानों का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं। कृषि रोड मैप तो इन्होंने बनाया है, कृषि रोड मैप इन्होंने बनाया है, लेकिन धरातल पर कृषि रोड मैप से कहीं कोई बिहार के किसानों को लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। कृषि रोड मैप सिर्फ लूट के लिए योजना बनकर रह गया है। राशि उसमें जो भी खर्च की जा रही, अब तो अभी जितनी राशि की आवश्यकता नीतीश कुमार जी बताते हैं उतनी राशि इनके पास है भी नहीं, लेकिन जितनी राशि इस नाम पर पहले भी खर्च की गई उसका धरातल पर कहीं लाभ नहीं है। लोग कहीं भी किसी भी जिला में चले जाए कोई किसान आपको नहीं मिलेगा जिसको इतनी बिजली मिलती हो जिससे वह अपने खेत में पटवन का काम बिजली से कर रहा। डीजल से लोग खेती करते हैं, डीजल से की गई खेती इतनी महंगी खेती होती है, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, किसानों को कभी लाभ नहीं हो सकता। खाद के लिए किसान जो उपलब्ध भी खाद है आज नेपाल चला जा रहा है, तो जो चीज आपके पास है उसका इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। हमारे यहाँ तो प्रकृति ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, इतनी उपजाऊ जमीन बिहार की है, शायद हिंदुस्तान में कहीं उतनी उपजाऊ जमीन हो। पानी भी जमीन से थोड़ा नीचे चले जाइए, पर्याप्त प्रचुर मात्रा में पानी का भंडार पड़ा। हमारे यहाँ के लोग इतने मेहनती है कि तमाम राज्यों में जाकर सबसे जोखिम भरा जो काम होता है बिहार का लोग कर रहा है, तो इतना संसाधन है इसका ठीक से प्रबंधन बिहार के विकास का ही रास्ता। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ, चूंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार की नस नस पहचानते हैं, इसलिए मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा छेड़कर। वो बिहार की जनता की भलाई सचमुच करना चाहते हैं या कांग्रेस को भजाने की कोशिश कर रहे हैं? अपना नकारापन, अपनी विफलता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल लोग यह न सवाल इनसे पूछें कि बिजली हमारे यहाँ क्यों नहीं आई, आपने कहा था कि बिजली हम कम से कम 18 घंटा बिहार के किसानों को देंगे, आज इतना बड़ा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट लाकर नीतीश कुमार जी ने बिहार का किया है कि आने वाले वर्षों वर्ष तक इसकी भरपाई संभव नहीं हो पाई। अस्पताल में गरीब लोगों के इलाज का इंतजाम नहीं, तो यह सारा सवाल, भ्रष्टाचार, आज सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए हुए एक काम कहीं हो रहा है क्या? इन तमाम सवालों का जवाब लोग चुनाव में नीतीश कुमार जी से पूछने वाले हैं। गड़बड़ियां हैं तो आप लोग जो है क्यों नहीं एक जो है राजनीतिक चार्जशीट तैयार करते हैं इनके खिलाफ, एक ब्लैक पेपर जो है जारी करते हैं इनके खिलाफ, क्यों नहीं करते हैं? निश्चित रूप से इस पर हमारी पार्टी काम कर रही है और समय पर हम लाएंगे इन चीजों को। नहीं तो आप चुनाव से ठीक पहले लाएंगे या हम बहुत पहले लाएंगे? बीच बीच में इनको लाते रहना चाहिए और अपडेट करते रहना, निश्चित रूप से, ताकि जन दबाव बने और राजनीतिक दबाव। निश्चित रूप से हम लाएंगे। और नीतीश कुमार जैसा कि कई लोग जेडीयू के भी कहा करते हैं, सचमुच तानाशाह किस्म के नेता है नीतीश कुमार जी के? इतना बड़ा तानाशाह जी हमको लगता है इस सदी के सबसे बड़े तानाशाह है नीतीश कुमार जी के अंदर। तानाशाही सर से लेके पांव तक, पांव से सर तक एकदम भरी हुई है। अपनी तानाशाही अहंकार में कुछ भी नीतीश कुमार जी उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसको उचित अनुचित का विवेक खत्म हो गया है। और ये क्या, कौन सा राजनीतिक प्रोटोकॉल है? मुझे ध्यान आ रहा है कि पटना में अधिकार रैली उन्होंने की और दिल्ली में अधिकार रैली उन्होंने की, दोनों जगहों पर उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह उनका नाम पहले लिया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव उनका नाम बाद में लिया। देखिए बिल्कुल ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी उस पार्टी के हैं जी, उनका नाम निश्चित रूप से जैसा कि आप बता रहे हैं अगर बाद में लिया गया तो यह बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को लगता है जब अहंकार में व्यक्ति डूबा होता है तो उसको लगता है जो हम बोलेंगे वही आज के बाद नियम हो जाए। तो क्या शरद यादव का कद छोटा करना चाहते हैं, उनको अपने गमले का क्रोटन बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? शरद यादव जी के प्रति मेरा पूरे तौर पे सम्मान का भाव था, है और रहेगा भी, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय के बड़े नेता शरद यादव जी रहे हैं, काफी उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन
उनको नीतीश कुमार जी उनका कद छोटा नहीं करना चाह रहे, उनका कद छोटा कर दिया है नीतीश कुमार जी, कर दिया है, कर दिया, उनको अपने गमले का कैक्टस बना लिया है, अपने गमले का क्रोटन बना लिया है। हाँ निश्चित रूप से आज उनकी हैसियत नहीं है कि पार्टी में एक साधारण प्रखंड स्तर का भी अध्यक्ष अगर बनाना हो और शरद यादव जी अपनी इच्छा व्यक्त कर दें कि अमुक व्यक्ति वहां अच्छा हो सकता है, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही चलेगा, शरद यादव जी की बात कहीं नहीं चलेगी। और शरद यादव जो है नीतीश कुमार के गमले का कैक्टस बनकर खुश हैं, उन्हें तो उन्होंने अब खुश हैं अंदर की नहीं है या तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं समझता हूं कि खुश नहीं है शरद यादव। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से खुश होना है और दुखी होना तो आदमी के अंदर की चीज होती है। जी जी जी, आप जो व्यवहार किसी के साथ कर लीजिए, आपके सामने भले हंसता हुआ नजर आए लेकिन उसका मन खुश है कि नहीं वो व्यक्तिगत होता है। शरद यादव जी व्यक्तिगत रूप से ऐसी चीजों को लेकर कभी खुश नहीं हो सकते, लेकिन मजबूर है और मजबूरी में आदमी कुछ भी सहता है, वही शरद यादव जी सह रहे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटवाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार जी इस संदर्भ में फैसला लेंगे वही बता पाएंगे, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं इस संकेत का अर्थ शरद यादव जी को भी पता है, इसीलिए वो डिफेंसिव हो गए हैं, अपना विकेट बचाने में लगे हुए। बिल्कुल, अब क्यों इतने मजबूर क्यों हो गए शरद यादव जी, इसका बहुत जवाब तो ही दे पाएंगे, लेकिन आज की तारीख में मैं सीधे कहूं कि शरद जी ने नीतीश जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो यह बात गलत नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी, अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे। आपने पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि बिहार में इसकी जरूरत थी, आपने पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि ये आपकी मजबूरी थी, आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, कोई चारा नहीं बचा था, क्या ये सच नहीं है? निश्चित रूप से हम इतना जरूर कहेंगे कि अब जहां बिहार की जनता का हक हम देखना चाहते हैं उसके हक को देखते हुए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, सिर्फ अपना हम हक देखते, अपने परिवार का हक देखते नहीं, बिहार हम वहां होते, बिहार की जनता के हक को देखते हुए कोई विकल्प नहीं था या आपके सामने कोई दूसरा विकल्प? नहीं, हमारे सामने तो विकल्प था, नीतीश कुमार की जीहुजूरी करते रहते, हम आराम से रहते नीतीश कुमार जी तो यही चाहते थे, दिन को भी रात कहें तो हम भी रात कहें, रात को दिन कहें तो हम भी दिन कहें, इतनी शर्त उनकी हम मंजूर कर लिए होते तो मेरे लिए तो था ही, लेकिन जनता के लिए नहीं था, लोगों के लिए नहीं था, उनकी इस शर्त पर हम राजनीति करना। तो आपके पास सम्मानजनक विकल्प नहीं था? विकल्प था लेकिन सम्मानजनक विकल्प नहीं, इसलिए आपने पार्टी बनाई। वहां मेरी बात तो हो सकती थी, जनता की बात लोगों की बात नहीं हो सकती थी, इसलिए पार्टी हमने। आपको भी लगता है कि समय से पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे? हाँ, थोड़ा आसार तो निश्चित रूप से दिख रहा है, लेकिन उसी में अब नीतीश कुमार जी का बयान एक दिन यह भी आया कि कांग्रेस के लोग जुगाड़ करने में ज्यादा माहिर होते हैं, और वह भी नीतीश कुमार जी ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो आजकल बीजेपी से थोड़ा अलग लाइन लेते हुए दिख रहे हैं, इनके एमपी भी हैं, तो इनकी बात का अगर ठीक से अर्थ निकाला जाए तो मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर अभी मुलायम सिंह समर्थन वापस ले लेते हैं तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है यूपीए सरकार को समर्थन देकर बचा लेंगे? कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं नीतीश कुमार जी ऐसा कर सकते हैं, बीजेपी के साथ रहते हुए कांग्रेस को समर्थन देकर उसकी सरकार बचा लेंगे? नहीं, जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन बीजेपी से साथ नहीं रह पाएगा इनका। अच्छा, दोनों नाव पर अभी तो दिख रहे हैं कि दोनों नाव को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब स्टेज वैसा आएगा तो उस दिन एक किसी नाव को छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ विशेष पैकेज का अगर लॉलीपॉप उधर से आ जाए तो नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ देंगे? देखिए, विशेष पैकेज की बात तो सब दिन से कोई नई बात नहीं है बिहार के, जिस दिन बिहार का पुनर्गठन हुआ उस समय एनडीए की सरकार दिल्ली में थी, उसी समय विशेष पैकेज देने की बात स्वीकार कर ली गई थी, योजना आयोग के अंदर एक स्पेशल कमिटी भी बनी थी बिहार को विशेष राज्य का विशेष पैकेज दिया जाए, और तमाम राजनीतिक दल के जो लोग उस समय एमपी थे सबकी एक कमिटी बनी थी, उसके नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी बने थे, और बिहार विधानसभा का मैं भी उस समय सदस्य हुआ करता था, एक यहां से विशेष पैकेज के लिए एक बड़ा प्रस्ताव बनकर गया था, जहां तक मैं समझता हूं 179,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था, तो उस पर तो एनडीए की सरकार का बयान उसी समय आया कि पैकेज देना हमने शुरू कर दिया है, तो पैकेज तो बीआरजीएफ वगैरह के माध्यम से जो पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष सहायता देने की बात केंद्र कर ही रहा है, उसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है, तो इजाफा होना चाहिए मैं मानता हूं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं होगी।
नई बात नहीं, नई बात नहीं। तो बोतल भी पुरानी है और शराब भी पुरानी है, उसी को नीतीश कुमार जी नए तरीके से बेचना चाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आप हमारे कार्यक्रम में आए, मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।